दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में नाक के रोग में साइनसिटिस की बीमारी का एक नया वीडियो अपलोड करने की बात कही थी कि साइनसिटिस में सर्दी जुकाम वाली प्रक्रिया 2-3 माह तक करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी सर्दी जुकाम की चिकित्सा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रयोग, गर्म दूध में 1 से 2 ग्राम पीसी सौंठ मिलाकर अथवा तुलसी के पत्तों के 2 से 10 मिलीलीटर रस एवं अदरक के 2 से 20 मिलीलीटर रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार लेने से सर्दी में लाभ होता है। दूसरा प्रयोग, 5 से 10 ग्राम पुराना गुड़ एवं 2 से 10 ग्राम अदरक मिलाकर खाने से अथवा आधी कटोरी दूध में 2 से 4 गोली काली मिर्च और 1 से 5 ग्राम हल्दी उबालकर देने से सर्दी में लाभ होता है। तीसरा प्रयोग, शरीर ठंडा होने पर बिना छिलके के भुने चने का पाउडर एवं सौंठ का पाउडर सूखा सूखा घिसने पर शरीर में गर्मी आती है। चौथा प्रयोग, नींबू का रस गर्म पानी में मिलाकर रात को सोते समय पीने से सर्दी मिटती है। पांचवा प्रयोग, रात के समय नित्य सरसों का तेल या गाय के घी को गुनगुना गर्म करके नाक द्वारा 1-2 बूंद लेने से नजला जुखाम नहीं होता है, वो मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। छठा प्रयोग, बड़ के कोमल पत्तों को छाया में सुखाकर कूट कर पीस ले। 1/2 लीटर पानी में 1 चम्मच चूर्ण डालकर काढ़ा बनाए। अब जब 1/4 पानी शेष बचे तब उतार कर छान लें और पीसी मिश्री मिलाकर गुनगुना करके पिए। यह प्रयोग दिमागी शक्ति बढ़ाता है व नजले जुखाम में भी लाभदायक है। सातवां प्रयोग, सर्दी के कारण होता सिर दर्द, छाती का दर्द एवं बेचैनी में सौंठ का पाउडर को पानी में डालकर गर्म करके पीड़ा वाले स्थान पर थोड़ा लेप करें। सौंठ की डली डालकर उबाला गया पानी पिए। सौंठ का चूर्ण शहद में मिलाकर थोड़ा थोड़ा रोज चाटें। भोजन में मूंग, बाजरी, मेथी एवं लहसुन का प्रयोग करें, इससे भी सर्दी मिटती है। आठवां प्रयोग, पुदीने का ताजा रस कफ सर्दी में लाभप्रद है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो सर्दी जुकाम पर। तो ऐसे ही कुछ खास वीडियो के साथ और कुछ खास टिप्स के साथ मैं मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तो चलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।